हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक सपोर्ट। आज मैं आपको जो पीएम किसान केवाईसी होनी है, जो सीएससी द्वारा होनी है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप मोबाइल से फिंगरप्रिंट द्वारा ई केवाईसी कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल द्वारा, कैसे सेटिंग बनानी है डिवाइस सेटिंग, वो फुल प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आने वाली बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो उससे जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट लिंक वीडियो उसी में दी गई हैं, वहीं से आपको सब कुछ प्रोसेस करने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और प्रोसेस बताते हैं क्या कैसे क्या करना है, कैसे आप अपने मोबाइल से फिंगरप्रिंट द्वारा ई केवाईसी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों सिंपली मैं यहाँ से अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको न्यू टैब ओपन कर लेना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है क्रोम फ्लैग, क्रोम फ्लैग एक्सपेरिमेंट, इस प्रकार सर्च करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी साइट नहीं मिलेगी जो आपको डायरेक्ट क्रोम फ्लैग की साइट पर ले जाए। तो आप कैसे क्रोम फ्लैग की साइट पर पहुँचेंगे ये पूरी डिटेल इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कोई भी साइट आपको डायरेक्ट क्रोम फ्लैग एक्सपेरिमेंट की साइट पर नहीं ले जाएगी, जहाँ से लोकल होस्ट इनेबल होता है। तो ये इनेबल करने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इस पर लिंक को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और क्रोम ब्राउज़र में जाके न्यू टैब ओपन करके आपको इसे यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ही ऑप्शन आ जाएगा आपको, जैसे ही पेस्ट करेंगे लोकल होस्ट का, तो इसे आपको अगर इनेबल है तो इनेबल रह देना है, डिसेबल है तो इसे इनेबल करके आपको रीलॉन्च नाउ पर क्लिक कर देना है, जो कि नीचे आइकॉन आ जाएगा आपका रीलॉन्च का। इस प्रकार आपका क्रोम फ्लैग सक्सेसफुली इनेबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक बार और आपको फिर से दिखा देता हूँ कैसे करना है। लिंक को कॉपी करना, टेलीग्राम पे जाके यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको जो फर्स्ट ऑप्शन शो होगा उसे आपको डिसेबल है तो उसे इनेबल करना है और रीलॉन्च पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपका सक्सेसफुली क्रोम फ्लैग इनेबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों पीएम किसान की साइट पर जाके आपको दिखाते हैं कि कैसे डिवाइस वर्क कर सकती है। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं नोटिस आने लगा है कि आप डायरेक्टली कोई केवाईसी नहीं कर सकते, इसके लिए आपको सीएससी जरूरी है। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सीएससी लॉगिन कर लेते हैं। अगर आपके पास सीएससी नहीं है तो आप केवाईसी नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सीएससी लॉगिन हो चुका है, इसके बाद आपको यहाँ पर एक आइकन मिल जाएगा आधार बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिलअप कर देना है। आधार नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको इमेज जो कैप्चा इमेज यहाँ शो हो रहा है उसे फिलअप कर देना है और सिंपली आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स पर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं शायद आधार नंबर में कुछ मिस्टेक है। हाँ दोस्तों आधार नंबर में मिस्टेक है, चलिए आधार करेक्ट कर लेते हैं और फिर से कैप्चा फिलअप करके यहाँ से फिर से सबमिट कर देते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे डिवाइस वर्क करेगी। सर्च कर देना और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालने का एक न्यू ऑप्शन शो होने लगेगा। सो होने के बाद आपको सिंपली गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक कर देना है। मोबाइल ओटीपी क्लिक करने यहाँ पर आपको अपने मोबाइल पर जो ओटीपी आएगी वहाँ पर फिलअप कर देना है। चलिए दोस्तों तो ओटीपी के लिए वेट करते हैं। सॉरी दोस्तों ओटीपी नहीं आ रही है, कुछ साइट प्रॉब्लम है तो इस कारण से ओटीपी नहीं आ पा रही है। आप ऐसे ही आसानी से इसे फुल प्रोसेस करेंगे तो आपकी डिवाइस आसानी से वर्क करने लगेगी। मंत्रा डिवाइस ज़्यादातर वर्क करती है तो आप मंत्रा से ही ट्राई करें।
तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और भी दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी आसानी से लाभ उठा सकें और अपनी KYC पूर्ण करवा सकें अपने गांव की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।